हेलो, सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ। जो हरियाणा जी के नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उनका थोड़ा बहुत टॉपिक रहते हैं, ठीक है? ये आपके भी काम आएगा, हरियाणा की वास्तुकला, आपका भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो नए सिरे से आपको शुरू करवाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये पुराने बच्चे, इनका सिलेबस रहता है, तो ये टॉपिक तो आपका भी है। सो पिछली बात है हरियाणा की वास्तुकला। नमस्ते भाई अमित, उज्ज्वल बेटा नमस्ते, आ जाओ फटाफट सारे। अमित भाई नमस्ते। सभी में हो गई लाइव, ठीक है? आ जाओ। वास्तुकला का मतलब मैं बताऊं क्या है? ये एक नंबर दे देता है एग्जाम में, एक आधा नंबर क्वेश्चन आ जाता है यहां से। वास्तुकला का मतलब होता है जैसे प्राचीन काल में वास्तुकला क्या थी, या मुगल काल में क्या थी। वर्तमान की तो हम पढ़ेंगे नहीं यहां, ठीक है? कहने का मतलब होता है कि जैसे हम नेशनल जीके में पढ़ते हैं ताजमहल, ठीक है, लाल किला, कुतुब मीनार, जो भी मयूर सिंहासन, तो ऐसा ही कुछ टॉपिक हमारे हरियाणा में भी आता है, हरियाणा की वास्तुकला। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, निम्न में से कौन सी इमारत, मैं तो यहां पर किसी न किसी इमारत का जिक्र करूंगा, किसी न किसी महल का जिक्र करूंगा। वास्तुकला का मतलब होता है बहुत सारी प्यारी सी चीज, जैसे लाल किला है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी इमारत में एक भी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई गई? ऑप्शन ए जल महल, ब्रैकेट में लिख देगा नारनौल, क्वेश्चन दे रहा हूं एचएससी एडवांस। बी दे देगा रंग महल, यमुनानगर, ठीक है? सी दे देगा चनेटी का स्तूप। डी दे देगा खरीज खां का मकबरा। ले भाई हरियाणा जीके वालों, बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत पर, कमेंट नहीं दिख रहे, और ये ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग कम कर लिया करो, हमारा काम होता है सबको सही देना। सर वीडियो क्यों रुक रही है? ये हरजीत तेरी वीडियो क्यों रुकती है भाई, चेक कर लिया करो आपकी फोन की ब्राइटनेस। हमें सबके तरीके से लेकिन चलनी पड़ी ब्राइटनेस। अब बस आपकी ब्राइटनेस ज्यादा है, कम कर लो फोन की ब्राइटनेस। वीडियो रुक रही है, नेट को रिफ्रेश करके देख लो क्या हमारी रुक रही है। बताइए भाई मनीष, हरजीत आपकी पिछले लेक्चर में भी रुक रही थी वीडियो, अब देखिए रुक रही है नहीं रुक रही। हाँ मैं पढ़ाता रहूं और आपकी वीडियो रुकती रही, क्या फायदा? ए गलत है सीखा, भाई मनीष की नहीं रुक रही, और तेरे ही बैच में भाई हरजीत, वो देख ले कमेंट उसका, ये एक दूसरे के कमेंट सही है, दिखने चाहिए। आप बोल रहे थे ना एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखने चाहिए। बताइए भाई अमन बेटा इसका क्वेश्चन को, हरियाणा की वास्तुकला। ये तुम्हारे ही बैच में, ये देखे दूसरे के कमेंट दिखे ना तब पता चले इसको कि हाँ दे मनीष इसी के बैच का है। नमस्ते भाई उपेंद्र, चनेटी का स्तूप, सबके गलत हैं। अरे भाई अरजीत तेरी रुक रही है, औरों की नहीं रुक रही, इसी बैच में बच्चे पढ़ रहे देख लो। अजय कमेंट कर रहा है, मनीष कर रहा है, और आपकी 1 बजे की वजह से
ये कितने 500-700 बच्चे पढ़ रहे होंगे और मेरा ध्यान वहां चला जाता है, क्योंकि एक बच्चे की नहीं चलती तो फील होता है। एक भी लकड़ी प्रयोग में नहीं की गई, और क्वेश्चन था ये, आगे पूछ लेगा चेसी। ठीक है, और पूछूं? आराम करो, बोलो सर पेपर कब है। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में 1630 में सांझा के एक दरबारी ने बनाया था, जिसमें किसी भी प्रकार की लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसी लाइन मेरी बुक में लिखी। बुढ़िया का रंग महल जिसमें किसी भी प्रकार एक भी लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया है, और बोलते सर पेपर कब है। और ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन पूछ लेगा वो, हरियाणा की सबसे बड़ी पुरानी धार्मिक धार्मिक इमारत कौन सी है। देख क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो, आ जाओ। तो जो ये वास्तुकला है, आ जाओ शुरू करते हैं। वास्तुकला का संबंध मतलब रोहतक की पुरानी पुरानी मध्यकालीन नहीं, रोहतक का वर्णन मिला है। रोहतक का वर्णन कि 12 योजन लंबा था, योजन 12 योजन लंबा था, ठीक है, एम 9 योजन चौड़ा था, मतलब पुराने समय में 9 योजन चौड़ा था। कहाँ जिक्र मिला ये? दिव्यावदान में। कहाँ पर? दिव्यावदान नामक ग्रंथ में, दिव्यावदान ग्रंथ में इसका जिक्र मिला है कि ऐसा ऐसा शहर होता था रोहतक। और ये दिव्यावदान कौन सा? ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। मैंने हरियाणा जीके में बताया होगा, दिव्यावदान और एक मज्जिम निकाय ये दो बौद्ध ग्रंथ थे जिनका हरियाणा में जिक्र हुआ था। तो दिव्यावदान ग्रंथ में हरियाणा रोहतक के बारे में बताया गया कि रोहतक एक बहुत प्यारा सा शहर हुआ करता था प्राचीन काल में, जो 12 योजन लंबा था और 9 योजन चौड़ा था। ठीक है, तो जितनी भी प्राचीन वास्तुकला थी उसके बारे में और जितनी भी मध्यकालीन वास्तुकला थे बारे में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे अगरोवा की प्राचीन वास्तुकला थी कि अगरोवा ऐसा ऐसा शहर हुआ था, अगरसेन ने इसको बसाया था। ठीक है, कि अगरसेन ने बसाया था, वैश्यों का उत्पन्न इसी शहर से हुआ था। ठीक है, जैसे चार जाति बताई हैं, क्षुद्र वैश्य, तो वैश्य जो जाति थी उसका उत्पन्न यही अगरोवा से हुआ था। संगीत के 7 अक्षर यहीं से मिले थे, संगीत के 7 अक्षर यहीं से मिले थे। तो ये वास्तुकला ही तो है, संगीत के 7 अक्षर, दिव्य की ऐसा ऐसा शहर होता था, तो वास्तुकला ही तो है। वास्तुकला का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारी सी इमारत जिसमें किसी अलग सी शैली का प्रयोग किया गया हो, जैसे मथुरा शैली होगी, गंधार शैली होगी, राजस्थानी शैली होगी, मुगल कालीन शैली होगी, अलग सी शैली हो। ठीक है, किसी अलग से पत्थर का निर्माण लगाया गया हो, तो उसी इमारत को एक अच्छी तरीके से स्टेबलाइज किया गया हो, उस चीज को हम वास्तुकला में काउंट करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ लिख लिया करो साथ साथ में, जो जो चीजें यहां पर बक दी जाती हैं। कुछ नहीं इस टॉपिक में, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसको खत्म कर देंगे। आ जाओ, आपने पढ़ा होगा वास्तुकला में, अगर मैं मुगल कालीन वास्तुकला की बात करूं, क्योंकि हमारे पेपर में आज तक जितने भी आए हैं वो मुगल वास्तुकला आई। ठीक है, हमारी हरियाणा भारत की भी आएगी, लेकिन मुगल वास्तुकला का मतलब क्या है? ऐसी इमारत हरियाणा में कहीं पर भी हो जिसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया हो, उसको मुगलवानी वास्तुकला बोलते हैं। जैसे नारनौल में जल महल है, ठीक है, शाहकुली ने बनाया था, आपको भी पता होगा 1591 में। ठीक है, शाहकुली ने, तो उसमें क्या ऐसी चीज है कि हमें उसे मुगलवानी वास्तुकला बोला गया? आइए वही पढ़ते। आपको बोला गया हरियाणा का ताजमहल। ठीक है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो देखो क्या पूछेगा, हमें कोई मतलब नहीं क्या है, हमें क्वेश्चन को टिक करने से मतलब है। हरियाणा का ताजमहल निम्नलिखित में से किसे बोला गया? क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा की कुतुब मीनार किसे बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर तीन, हरियाणा का लाल किला किसे बोला गया है? क्वेश्चन नंबर तीन, ये होती है फुहड़ नकल। फुहड़ नकल बोला गया इसको वास्तुकला में। फुहड़ नकल का मतलब होता है नू की नू, फूटी ही की फूटी हुई नकल। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल वास्तुकला की फुहड़ नकल है? नकल का मतलब होता है सेम उसी तरीके से, जैसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में बसाया गया है, ऐसा ही एक महल जींद के रानी तालाब को बोला जाता है। सेम बीच में मंदिर सराउंडिंग, उसी के बीच में भूतेश्वर मंदिर, तो वो किसका? स्वर्ण मंदिर की वो कॉपी है। आई समझ में? इसी तरीके से किसी न किसी चीज की कॉपी करना वो फुहड़ नकल बोला जाता है। जैसे हरियाणा का ताजमहल किसे बोला? शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में। थानेसर में कौन थे शेख चिल्लीवरी? सांझा के धार्मिक गुरु थे भाई, सांझा के धार्मिक गुरु होते थे ये। ठीक है, धार्मिक गुरु। अब शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल किसने बोला? डेविड रोस ने बोला भाई, डेविड रोस ने इसको पहली बार बोला था। डेविड रोस ने इसे ताजमहल बोला था। जितने भी ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, किसी का भी वर्णन हरियाणा में अगर किसी अंग्रेज ने दिया है तो आंख मीच के बोल देना डेविड रोस। ठीक है, अगर वो आपको बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने बोला हरियाणा का ये उससे मिलता है, या ये ऐसी इमारत है, या मुगल कालीन की सर्वोत्तम कृति इसको बोला गया, वो डेविड रोस कर देना आंख मीच के। ठीक है, सभी का एक्सप्लेन करूंगा। हरियाणा की कुतुब मीनार किसे बोला गया? हरियाणा की कुतुब मीनार काजी मस्जिद रोहतक को बोला गया है। ठीक है, काजी मस्जिद रोहतक बाबर ने बनवाई थी। ठीक है, हरियाणा का लाल किला किसे बोला गया? शीश महल फुरुकनगर में है भाई। शीश महल कहां पर है? फुरुकनगर गुरुग्राम में है भाई। फुरुकनगर फौजदार खाने से बनवाया था। किसने बनवाया था? नवाब फौजदार खाने इसे बनवाया था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। इन्हीं का वर्णन करूंगा मैं हरियाणा की वास्तुकला में। जमा सही चला है। ठीक है, कुरुक्षेत्रा में शेख चिल्ली का मकबरा, गुड शाबाश। किसी को डाउट हो बेटा यहां तक लिख लिया करो फटाफट, हर चीज एक्सप्लेन करके जाऊंगा। किसी को डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, जब मैं आपको पूछूं कि किसी को डाउट हो आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े आगे। अब लिख लिया करो साथ साथ। बड़े आगे, बड़े लिखो सर, बड़े बड़े। वो कहा साफ करने वाला? लिख लिया करो। और जो बोलते हैं ना हरियाणा जी के, हरियाणा जी के कुछ नहीं है। इसी को मैं, जब पेपर आएंगे ऐप पे, इसको दो मिनट पांच सात मिनट में खत्म कर देंगे। किस तरीके से खत्म करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। अब आराम से पढ़ाने का मतलब होता है कि हर चीज को अच्छे से, ताकि मैं कोई चीज स्किप ना हो जाए। मैराथन क्लास में कैसा होगा, मैं बस एक ही चीज बताऊंगा, शीश महल फुरुकनगर गुरुग्राम फौजदार खां फटाफट। लेकिन ये थोड़ा एक की हरियाणा का इसे को ये बोला गया इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा देखो। निम्न में से, तभी तो मैं टाइम लेके पढ़ाता हूं आराम से। निम्न में से जल महल में किन पत्थरों का प्रयोग किया? लिख लो अभी कॉपी में ये चीजें साथ साथ, ताकि ना तो ऑब्जेक्टिव करने की प्रैक्टिस पड़े, कोई बुक लेनी पड़े, ज्यादा पैसे हो तो स्टडी मंत्रालय के खाते में डलवा दियो। आराम से हर चीज नोट करते जा करो पेपर की, ताकि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ना लिखनी पड़े। निम्नलिखित में से जल महल में किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए काले पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी चट्टानी पत्थर, डी
साधारण चूना, बताओ बताओ भाई सुनील, सुमन बेटा काजी मस्जिद झज्जर। अच्छा, मुझे तो आज पहली बार पता काजी मस्जिद झज्जर में है। आ जाओ मंदिर मस्जिद पढ़ेंगे, वहां जिक्र कर लियो, यहां सिर्फ हम हरियाणा की वास्तुकला पढ़ रहे हैं, ठीक है? तू बस ये कर देना, हरियाणा का कुतुब मीनार किसे बोला? काजी मस्जिद, ठीक है? आ जा। बता फटाफट। बी बी, पहली बात क्वेश्चन क्या पूछेगा? वेयर इज द जल महल? जल महल कहां है? नारनौल में। कहां पर है? नारनौल में। किस कब बनाया? 1591 में शाह कुली खान द्वारा इसको बनाया गया था। शाह कुली खान ने इसे बनवाया था, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन आया है ये आया था बलुआ पत्थर, ठीक है? जल महल में बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल महल के बारे में क्या हुआ? हरियाणा में जल महल कहां पर है? कम से कम एचएससी ने 15 बार पूछ चुकी होगी ये, जल महल कहां है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या, ये थोड़ा से बड़े वाला हो गया। किसने बसाया? शाह कुली खान ने। कब बनाया? 1591 में, ठीक है? उससे एडवांस क्या हो गया? किन पत्थरों द्वारा बनाया गया? बलुआ पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसी को डाउट हो? सर जी नेशनल जी के कंपेयर स्टूडी साथी में हाउ बढ़े आगे। सीमू वर्मा जम्मू कश्मीर से पढ़ रही है, उसको हरियाणा जी के, सीमू हरियाणा जी के ही, अगर एचसीएस का पेपर देना हो तब पढ़, वरना सो जा, मैथ मुथ पढ़ ले, ये हरियाणा जी का तेरा कोई काम की नहीं। अमित यादव तू भी भाई, जो यूपी वाला है, जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, क्योंकि ये तो सारे बच्चों में चल रही होगी ना लाइव। ये साथ साथ लिख दिया करो फटाफट। देखो क्वेश्चन एक और, उसने पूछा सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन में तीन क्वेश्चन डाल दिए उसने। हरियाणा में सबसे प्राचीन में एक तो इमारत का डाल दिया, फिर डाल लिया मुगल कालीन इमारत का डाल दिया। तुम्हें क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, ठीक है? मूर्ख तो हमें बना देगा वो। फिर तीसरा क्वेश्चन डाल दिया उसने, धार्मिक इमारत का डाल दिया। देखो इन क्वेश्चनों में फर्क क्या है। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो, हरियाणा में सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत कौन सी है? क्वेश्चन नंबर दो। हरियाणा की सबसे धार्मिक प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी? क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर चार, मुगल काल की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर कृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर चार। इमारत का मतलब यहां पर हम ले लेंगे कोई भी, जैसे हमने हवेली ले लिया। हरियाणा में सबसे प्राचीन हवेली फतेहाबाद की हवेली है भाई। कहां पर है? फतेहाबाद की हवेली। क्वेश्चन नंबर एक क्या बना? हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी? क्वेश्चन नंबर एक कौन सी है भाई? फतेहाबाद की हवेली। इस फतेहाबाद को क्या बोला गया? हवेलियों का शहर। क्वेश्चन नंबर दो, हरियाणा के किस शहर को हवेलियों का शहर बोला गया है? फतेहाबाद में टोहाना है, उसको नहरों का स्वर्ग बोला गया, नहरों का शहर बोला गया है। तो फतेहाबाद को गुलाबी नगरी भी बोला गया है। इसी फतेहाबाद को क्या बोला गया है? गुलाबी नगरी भी बोला जाता है भाई, ठीक है? गुलाबी नगरी भी बोला जाता है। और हवेलियों का शहर कौन सा है? हमारा फतेहाबाद है भाई। और इस फतेहाबाद की हवेली का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई। किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था भाई।
फिरोज शाह तुगलक ने इस हवेली का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर पांच, इस हवेली का निर्माण साधारण पत्थरों और चूनों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? साधारण पत्थर और चूना। चूना बोले तो CO कैल्शियम ऑक्साइड, और सही बोले तो COC3 संगमरमर। किसी को डाउट हो यहां तक? हाँ, जम्मू वाले यहां पर भी कंपटीशन करेंगे। सबसे बड़ी क्या है? मुंगे की बिल्डिंग, जल महल। हाँ सही, सही है भाई मनीष, सही है। बताऊंगा, ये लिखते रहा करो, सारी चीजें बताऊंगा। बढ़े आगे। हाँ, अजीत भांकर, 13 अगस्त 1352। हाँ, फतेह खान। इतना मत जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इतनी डेटों पे मत जाओ, बस याद रखना फतेहाबाद। वो तो मैंने बता दिया कि 1352 में उसे बताया था, 1354 वो जाएंगे नहीं, हमें बस वास्तुकला से मतलब आज। ठीक है, अब आ गया मुगल कालीन पे। वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा मेरी प्यारी सी स्टडी मंत्रा की टीम, कैसे पूछेगा आपसे वो क्वेश्चन? इस तरीके से पूछ लेगा वो। देख, अब तो बोर्ड भी अच्छा हो गया होगा, फटाफट साफ होता है धीरे धीरे। उसने पूछ लिया सबसे प्राचीन मुगल इमारत, सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत। क्वेश्चन नंबर दो हो गया ना चेंज, पहले में क्या था? सबसे पुरानी हवेली, मुगल कालीन हवेली, सबसे प्राचीन इमारत, या धार्मिक बोल दो, धार्मिक इमारत बोल दो, धार्मिक लिखेंगे इसको, कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत। कहाँ है? पानीपत। किसने बनवाई? बाबर ने। किसी को डाउट? पहले क्वेश्चन क्या था? सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर दो, सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत या धार्मिक इमारत, सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी? काबली। क्वेश्चन नंबर तीन, ये मैं इसलिए साथ में लिखा रहा हूं, कई बच्चे इनमें पजल हो जाते हैं। पजल कैसे होते हैं? वो कंपेयर नहीं कर पाते, मुगल कालीन पूछी है, धार्मिक हरियाणवी पूछी है, भारतीय पूछी है, या हिंदू पूछा है, इस तरीके से। ठीक है, उसने पूछ लिया फिर हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत। देखो क्वेश्चन में फर्क आ गया ना, क्या फर्क आ गया? इसमें कहीं पर भी मुगल कालीन वर्ड नहीं है। ठीक है, मैं इसको साथ में इसलिए लिखवा रहा हूं मेरे भाई, वरना पढ़ाना तो मुझे और तरीके से भी आता है, मैं लिख के चला जाऊंगा ये वहां पर है, इस तरीके से भी लिख जाऊंगा काबुली बाग मस्जिद पानीपत बाबर ने बनाई। नहीं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि जो काबुली बाग मस्जिद है वो मुगल कालीन की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि काबुली मस्जिद पानीपत में बाबर ने, ये तो बुक में भी है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन धार्मिक मुगल कालीन इमारत कौन सी है? काबुली मस्जिद। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर तीन, हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी? बताओ फटाफट, कहाँ गए? चलो सर, कुछ तो मिल रहा है, पढ़ाई नहीं तो पता तो चल रहा है कि हरियाणा में क्या है। अच्छा, सीमू वर्मा, बताइए भाई। ऑप्शन दूं? ऑप्शन देता हूं, ए बी सी और डी और ई बेरा नहीं है, ये ऑप्शन है। आजकल तो किसी के बापू का नाम पूछ लेना, अंजलि तेरे बापू का नाम क्या है, उसको बॉयफ्रेंड का नाम पक्का याद होगा लेकिन बापू का नाम भूल जाएगी कई बार, तो क्योंकि मोहब्बत है ना, ऐसे चीर देगी नू
चक्कू से ऐसे प्यार मोहब्बत, आ जाओ इसमें बता। चनेटी का स्तूप है वही हरामी, कहां पर है चनेटी का स्तूप? चनेटी का स्तूप हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है, कहां पर है चनेटी का स्तूप बताइयो। चनेटी का स्तूप कहां है? जगाधरी से 3 किलोमीटर। तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ के आना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि आपको तो बस सुनील सर लिखवा दें, मैं कर लूंगा। क्यों, घर पे काम नहीं करना कुछ? चनेटी का स्तूप किन पत्थरों से मिलके बना है ये पढ़ के आना आपको, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो, ये किस स्टाइल से बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर दो। तीसरा, इसमें किस अलग शैली का प्रयोग किया, एक अलग सी शैली इसमें प्रयोग की गई है, उस शैली का प्रयोग पढ़ के आना, ये होमवर्क है। हवा टाइट हो जाती है तुमसे कोई अच्छा सा क्वेश्चन पूछ ले, है ना? बस तुमसे पूछे ना, ये जो बताया ना कि हरियाणा का ताजमहल हरियाणा का, ये डेविड रोस ने बताई थी तीनों चीजें। किसने? डेविड रोस ने, उसी ने बताया था कि ये तो शेख चिल्ली का मकबरा है, ये इस प्रकार का है, किस प्रकार का है, जैसा भी है। एक क्वेश्चन और था भाई, मैं तैयार करके लाया था, एक क्वेश्चन कौन सा था, ताकि हवा टाइट हो जाए आपकी, पूछ तो लूँ क्वेश्चंस। बता दो ऐसे मत कहा करो, पेपर कब है? गुड, शाबाश। बताओ फटाफट, अरे उज्जवल मुंह पे मारूंगा, इतने पढ़ते हो। अकबरी स्टाइल में बना चनेटी का स्तूप, पढ़ा नहीं अभी तक? अकबरी स्टाइल में, बताओ इसका। हरियाणा की सबसे बड़ी मुगल कालीन इमारत, बीरबल का छत्ता, भावना पुण्य, क्या बोला गया इसको, राय मुकुंद का छत्ता, है ना? कहां पर है ये? क्या बोला इसको, ब्रेक, आ जाओ आ जाओ, छोड़ो रहने दो। बीरबल क्यों बोला इसको, बीरबल का छत्ता क्यों बोला गया इसको, दोनों नाम पूछ लेगा आपसे, लेकिन पेपर में ये आया था। ठीक है, तो मैं ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट ही आएंगे पेपर में, और लिखवाने का तो मैं ऐसे भी लिख लेता इसको, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख लेता पेपर में, आपको करवाने का मतलब होता था, देख इस तरीके से, जलमहल कहाँ है नारनौल में,
रंग महल कहाँ है? यमुनानगर में, बुढ़िया का रंग महल। चनेट्टी का स्तूप कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। इसी प्रकार इसे ताजमहल बोला गया। शीश महल कहाँ है? फरुख नगर में बोला। इस तरीके से भी करवाना आता मुझे मात्र 15 से 20 सेकंड में, 15 मिनट लूंगा इसमें मैं करवाने में, इसलिए लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि ये ध्यान जाए कि सर कुछ बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। अगर मैंने इस फॉर्म में लिख दिए तो तुम्हारे जहन में जाएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ये तो बुक में भी लिखा है इस तरीके से, तो फिर मैं यहां थूक बिलो रहा हूं, इसका मतलब क्या है? थोड़ा बहुत तो कुछ होगा उसका मतलब। इस प्रकार करने में सिर्फ 10 मिनट लूंगा मैं, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में करके चला जाऊंगा। हरियाणा की वास्तुकला ये यहां पर है कि रंग महल यहां है, शीश महल यहां है, काजी मस्जिद यहां पर है, सबसे फलाना ये था, चनेट्टी का स्तूप वहां पर है, खिजर खां का मकबरा वहां पर सोनीपत में है, वहां उसमें फलाना में है, ये धिकड़े में है, काबली मस्जिद यहाँ। 5 मिनट लूंगा, मुझे कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वो जमीर से समझौता हो जाएगा, टाइम खराब करना। बुक में है बच्चा, मेरे पास क्यों आएगा फिर? बच्चा अगर मेरे पास आया तो किसी उम्मीद से तो आया होगा कि सर एग्जाम के पॉइंट उसे बताओ, वरना हजार बुक पढ़ी है हरियाणा जीके की, हर कोई हरियाणा जीके का पब्लिशर बना बैठा है, इतने तो खुद का ग्रुप डी में लगे भी नहीं हो और बुक पक्की है उनकी, हरियाणा की बेस्ट बुक, हरियाणा जीके बेस्ट बुक। अरे भाई कोई पेपर निकाल ले, खुद की तैयारी कर ले, 500 बुक है हरियाणा जीके की, 500 तो मैंने कम बोल दी, 1000 होंगी, हर कोई बना बैठा है हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, और साइंस की तो पता नहीं कितनी है। आ जाओ, तो कौन सा था? यही था भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना के लाया धर्म, अच्छा सा अफगानी कला का था, कर लो 2500 के पूरे, आई समझ में? जिंदगी बार बार सौदे नहीं देती। प्रधान शैली में राय मुकुंद का बनवाया था बिरबल वाला, बिरबल जाता था घूमने, गुड शाबाश, सारे ऑप्शन गलत है, वंदना एक ऑप्शन सही भी, इसमें एक ऑप्शन सही भी है। एक ऑप्शन सही है, सी बोल रहा है। अरे ये जो है ना अफगानी पठानी, अफगानी का मतलब है पठानी शैली थी, ओए मेरी बेबे पठानी शैली थी, आई समझ में? कई बुक में कई जगह अगर पठानी ना दे तो अफगानी होता है, ठीक है बेटा। उज्जवल कहां पर है? खिज का मकबरा सोनीपत में। किसने बनवाया था? इसके वंशज ने। वंशज कौन है? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। कई बच्चे रट्टा तो मार लेते हैं कि खिज खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत। बेटा जो क्वेश्चन बनेंगे ना एडवांस, वो इस तरीके के बनेंगे कि कौन सी शैली से बनाया गया, पठानी अफगानी, ठीक है। हरियाणा में ना इसका जिक्र मिलेगा ना इसका जिक्र मिलेगा, ये भी कट कर लो, लिख लो। हरियाणा के किसी भी जल किसी भी इमारत में ना गांधार शैली का वर्ण मिलेगा ना मथुरा शैली का वर्ण मिलेगा, लिख लो ये बात अभी, ब्रैकेट में लिख लो। हरियाणा के किसी भी इमारत में
लिख लो फटाफट। हरियाणा के किसी भी इमारत में गांधार और मथुरा शैली का वर्णन नहीं मिलेगा, ये भी लिख लो, ताकि पेपर में दो तो ऑप्शन कट जाएं, दो भगवान भरोसे, जैसे अंजलि राम अंजलि रमेश भरोसे है ना कि मेरा साजन आएगा जोब लेके फिर शादी करवाएंगे, है ना, आधे तो ऐसे ही बैठे होंगे, तू जोब लग जा फिर देखिए दोनों क्या करेंगे। जितने पहले वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, देश बैठा है लव मैरिज करवा के, पता नहीं ऐसे पूरे फिल्मी है जैसे लव मैरिज करके तो पता नहीं क्या कर देंगे, जॉब ले लो, जॉब का जुगाड़ कर लो, दो रोटी का जुगाड़ हो गया ना, माँ बाप खुश हो जाएंगे, और माँ बाप खुश हो गए तो परमात्मा खुश हो जाता है, और अंजलि तो आज खुश है कल को तलाक भी लेगी। आ जाओ हिसार में स्थित है, दो क्वेश्चन हो गया, गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ है, हिसार में, किसने बना, फिरोज शाह तुगलक ने, आइए ब्रैकेट में लिख लो फिरोज शाह तुगलक, आधे ऐसे बच्चे हैं ना कि सर हमें नहीं बताता है, वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने हिसार को बसाया था फिरोज हिसार के नाम से। हिसार में स्थित गुजरी महल में किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि वो एक्सप्लेन भी हो जाए और जो एडवांस लेवल है वो भी चला जाए। बलुआ पत्थर, साधारण पत्थर, यहीं पर कौन है, हिसार में एक और मस्जिद है लाट मस्जिद, वो भी इसी ने बनवाई थी भाई, लाट मस्जिद, और ये क्वेश्चन में आया था, किस में आया था, ये शायद लाइन मैन के पेपर में आया था, ये लाट मस्जिद कहाँ है हिसार में बता दो फटाफट, सी लाल पत्थर बलुआ पत्थर। ले भाई जियोग्रामी की क्लास पर 6 सप्ताह हो गए, और अंग्रेजी क्या बोल रही तू, जियोग्रामी की क्लास क्लास सर 6 लाल पत्थर, लाल पत्थर गलत है। बताइए बेटा उज्ज्वल, और यहीं पर क्या है, जोर थॉमस की कोठी भी है, जो जोर थॉमस की कोठी है ना वही सार में है, जोर थॉमस वो भी तो स्थापत्य है, उसका क्या बोला गया, जहाज गढ़ की कोठी बोला उसके, हो जहाज गढ़ की कोठी, ठीक है, अब इसने सरकार ने इसको संग्रहालय बना दिया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि जहाज गढ़ का संग्रहालय कहाँ है, तो पेपर में सोचेगा यार जहाज गढ़ क्या है, तो जहाज गढ़ कौन है, जहाजगढ़ कौन है, जॉर्ज थॉमस की कोठी को बोला गया, जो कहां पर है, हिसार में, कभी आओगे तो दिखाएंगे हरी में, ठीक है, ये भी तो वास्तुकला है मुगल कालीन है, दोनों फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, हाँ फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, तभी तो मैंने नाम लिखा इसका, बलुआ पत्थर नहीं आएगा आशीष, गुजरी महल मैंने बताया कब बताया था गुजरी महल के बारे में, जब मैंने हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ाई थी ना, हरियाणा जीके में हिस्ट्री, वहां पर जिक्र किया था फिरोज शाह तुगलक का, कि 1352 1354 1355 में नहर बनवाई, ये काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है, आई समझ में, बताया था गुजरी महल में 9 अभिलेख है, जहां पर ये अभिलेखों का जिक्र हुआ था वहां पर बताया था मेरे वैसे ही जर्नल कि वहां पर काले पत्थरों का निर्माण किया गया है। आपको तो पता नहीं था कि 1 महीने बाद कोई क्लास होगी और उसमें चिल्लाएगा रमेश कि हरियाणा की वास्तुकला में गुजरी महल के बारे में बताएगा,
आपको क्या पता कि पानी की जरूरत है? रब कर दूं? लिख लिया करो, बोला कि सर हरियाणा जी के आती है, हमें आती है लेकिन थोड़ी और भी कर ले। हरियाणा की वास्तुकला क्वेश्चन क्वेश्चन में चली जाएगी। कई सोचो, कई बच्चे ने सोचे सर वो चीज कब बताएगा, वो चीज, हर चीज आ जाएगी धीरे धीरे। कई बच्चे दिमाग लगा के बैठे हैं, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। बेटा सारी चीजें आएंगी और सारी चीजें चली भी गई हैं। शायद 8 है जी, 9 है बेटा, 8-9 के बीच में चक्रों में मत फंसो। अभिलेख आया ही नहीं आज तक, ना आएगा। ठीक है, कहीं सोचो कि 8 बताया था सर ने, 9 बताया था, 9 आ गया, 8 आ गया। बस याद रखना, गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बसा था, हिसार में है, काले पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, यहीं पर जाजगढ़ की कोठी है। इस जाजगढ़ की कोठी को जाजगढ़ संग्रहालय में बदल दिया गया। ये जॉर्ज थॉमस की कोठी है, हिसार में स्थित है। जॉर्ज थॉमस ने हांसी शहर को बसाया था, वहाँ पर टकसाल की स्थापना करी थी, सिक्के बनाए जाता, सिक्के साहिबे बोला जाता था। बस बात खत्म, 1802 में, 22 अगस्त 1802 में बहरमपुर में उसकी हत्या हो गई थी, बस खत्म। ये चीज़ें हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, बाकी चीजों पे ध्यान मत दिया करो। किसी को दिक्कत? ओए रैना जिक्के वालों, किसी को दिक्कत? खुश रहा करो, दुखी तो हम ऐसे भी हैं, सबको दिक्कत है। किसी को टाइम पे भिड़े नहीं पाते, किसी को अंजलि को टाइम पे नेट नहीं पाता, किसी के टाइम पे मैसेज नहीं आते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के, है ना। आ जाओ, जिंदगी की कड़वी सच्चाई से जिया करो। हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर है? ये देख मनीष, कुरुक्षेत्र, मुझे पता था कुरुक्षेत्र करेगा, मुझे पता था सारे कुरुक्षेत्र करेंगे। और एचएससी भी दिमाग से इसलिए खेलती है क्योंकि उसे पता है कि कुरुक्षेत्र लगाएंगे और आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है, जो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया। आई समझ में? वो ऑप्शन ए ऐसा ही देगा, दिमाग है ना, दिमाग, वो साइकोलॉजी है उसकी, उसे पता है। पेपर बना, मैं भी पेपर बनाता तो पक्का ये ऑप्शन देता, मुझे पता क्या सोचेंगे इसके बारे में, उसे पता नहीं है। 50 नंबर कितनी भी तैयारी कर ले, अगर एचएससी का पेपर मुझसे बनाए ना, 42 नंबर से फालतू लेके दिखा दिए, 40 से फालतू लेके दिखा दिए, 40 से फालतू, मुझे पता साइकोलॉजी खेलेगा, बच्चे का दिमाग जाएगा संग्रहालय का मतलब आया। अरे वो श्री कृष्ण संग्रहालय है 1987 वाला, हरियाणा पुलिस में आया था ये लड़कियों वाले में 2016 में, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र कहां पर 1987 में, ये आ लिया हरियाणा पुलिस में लड़कियों वाले पेपर में। कब आया था ये? 17 अप्रैल 2016 वाले में, जाके चेक कर लियो। कहीं सोचो कि रमेश वैसे ही बकरा है, वैसे ही नहीं बकरा, जितना तुम सोते हो इतने तो और मैं जीएस पढ़ता हूँ, वो अलग बात है कि पढ़ाने कम आता हूँ, है ना। आ जाओ, आगे ना गलती कर दिया है, कहाँ गया वो मोहित मोहित भाकर, पवित्रा, हाँ पवित्रा तेरा लिंक एक्टिव हो गया है, मैडम ने भेजा था, हाँ HSC 3 में उसका न्यू ऐप पे क्लास कैसी चली, फाड़ू चल रही है ना क्वालिटी में, चला के देखी थी वैसे, डेमो लेके देखी थी, जिसका लिंक एक्टिव अभी नहीं हुआ अभी बता दियो। ठीक है सर, मेरा नहीं हुआ, मैं उस बैच में था, चाहे वो हरियाणा जीके में हो, वो किसी भी बैच में हो, एस्टेट में हो, किसी भी बैच में हो, सर मेरा न्यू ऐप पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ है,
क्लासेज जब चलेंगी लाइव आके मैसेज करेंगे, यूट्यूब पे आके बताएंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, ठीक है। हाँ आज के बाद गलत कर दिया ना मोहित, उज्ज्वल कुंडू आज नहीं देखी तूने न्यू ऐप पे क्लास, क्लास एक क्लिक करके देखियो, वहां पर मिलेगा ऑप्शन 11 हावर्स अगो, लगेंगे एक दो दिन में लगेंगे, पूरा डाटा उठाने दो, ठीक है ना, पुरानी ऐप पे लेते रहो क्लास, बढ़िया गए। तो वो कौन सा है, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र 1987 वाला है, और जो आध्यात्मिक संग्रहालय का है पानीपत में है, जहां कर काबुली बाग मस्जिद है, जो मुगल कालीन की सब पुरानी सबसे इमारत है, या धार्मिक इमारत लगा लो, बाबर ने बनवाई थी। किसी को डाउट हो यहां तक, नहीं सर मैंने नहीं देखी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, छवि का नहीं हुआ तो छवि भेज दे मैसेज, ठीक है। जैसे वास्तुकला में ये भी आ गया गौकर्ण तालाब, कहाँ है गौकर्ण तालाब, बताइए कहाँ है, बता दो। रोहतक में है, हाँ ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि कर्ण देखते ही है ना, कर्ण देखते ही ए ऑप्शन लगा देंगे, कहे ऑप्शन लगा देंगे, करनाल, करनाल था जिसका, तो अरे आंसर तो रोहतक आएगा मेरे फूफा, आई समझ में, क्या आएगा रोहतक आएगा, क्योंकि कर्ण कर्ण झील है ना, कर्ण झील, ओ करनाल की नगरी फूफा, यू कौन देखा, ठीक है ये इसलिए लिखवा रहा हूं एक साथ ताकि दिमाग में जो भूस भरा पड़ा है, जो भूसा भरा पड़ा है वो निकल जाए, क्वेश्चन को समझने की स्ट्रेंथ अपने आप में हो जाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन 2 से 3 नंबर से रहते हैं ना तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में कमजोरी है, या तो हम अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करते, या क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करते, या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, 5-6 फैक्टर होते हैं, आई समझ में। देखो चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा, ओए समझ में तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा, या वैसे ही थूक भी ले रहा हूं, बताइयो। आम मेला, आम मेला तो बेटा पंचकुला में लगता है, मैंगो फेस्टिवल पंचकुला में लगता है हर साल, और ये भाई समझ में आ रहा है या वैसे ही मैं थूक भी ले रहा हूं, बताइयो फटाफट, क्या हम सही जा रहे हैं, पिंजौर में लगता भाई पंचकुला में आम मेला हर साल लगता, एक बार और लड़वा है जी मैंगो मेला, क्या है लाडवा, क्या ये लाडवा वाडवा नहीं, पेपर के HSC के रखो, मैंगो फेस्टिवल तो पता नहीं गांव में भी लगता होगा, HSC बोलती पिंजौर में लगता बस, ठीक है HSC को मान, नहीं मनवा देगा, रांडे होते हैं, रांडे हैं कुछ भी मनवा देंगे, गांव का मुखिया राष्ट्रपति होता है ये मनवा रखा है, हमारे पेपर में सब इंस्पेक्टर में ये मंगा रखा है, गांव राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, कौन होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख,
राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता होगा। संवैधानिक, संविधान के अकॉर्डिंग तो राज्यपाल होता है और देश का संवैधानिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन आंसर में क्या था? आंसर में क्या था? मुख्यमंत्री था। और माना हमारे वालों ने भी, सब इंस्पेक्टर वालों ने भी। आ जाओ, ले क्वेश्चन करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव लेना भाई, कहाँ है? ऑब्जेक्टिव आ जाओ, ले मेरे वाली बुक के ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। ये लिखी थी कभी 2018 में, 17 में, भगवान की दया से, लेकिन उसके बाद खुद पढ़ी। ये पढ़ने से पहले की बुक है, मतलब डाटा चेपा था, ये गूगल से उठाया और चेप दिया। ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या सोचा। फिर मेरा टैक्सेशन का पेपर आया था 30 जुलाई 2017 को, जिस पे हमारा केस चल रहा है, ठीक है? मतलब उस समय की ये बुक है। आज जो आएगी ना बुक है, इससे 2 गुना मोटी आएगी। इसमें 216 पेज है, उसमें 350 पेज मिलेंगे। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसके, कौन से पेज पे था ये टॉपिक? हरियाणा की वास्तविक कला। ये सारे तो करवा दी इसमें तक हम कुछ। बताओ फटाफट, सलारगंज गेट। कहां पर है ये जो पानीपत है ना, जो वास्तुकला है, वास्तुकला में पानीपत देखते ही एक तो ये सलारगंज गेट कर दियो, ठीक है? एक कौन सा? इब्राहिम सूरी का मकबरा, ठीक है? एक कौन सा आध्यात्मिक संग्रहालय, ठीक है? चौथा कौन सा? काबुली बाग मस्जिद। ये चार चीज कर लियो पानीपत में, कर लोगे इतना तो? काला अंब, ये भी थोड़ा सा मतलब है, तो कौन सी इमारत उसमें पढ़ेंगे इसको? वास्तुकला में भी पढ़ दो इसको, कालाम्ब को, ठीक है? ये सारी चीजें कहां पर हैं? पानीपत में भाई। ये बाबर ने बनवाई थी पहली धार्मिक इमारत, कौन सी? मुगल कालीन पहली धार्मिक इमारत, सबसे प्राचीन इमारत मुगल कालीन की, ठीक है? तो ये पानीपत में है भाई, किसी को डाउट हो? इब्राहिम, हाँ सॉरी, इब्राहिम लोदी का आएगा भाई, इब्राहिम सूरी का नहीं, वो तो नारनौल में, इब्राहिम लोदी का आएगा, सॉरी सॉरी, वो तो नारनौल में। बड़े आगे ले, एक और क्वेश्चन ले लो। हो गया है टॉपिक तुम्हारा? किसी को डाउट हो तो अपना डाउट तैयार कर लो। कितना हो गया टाइम? 10:30, वहां भी तो जाना होगा, वो फिर सो जाएंगे सारे। चलें, बस एक डाउट ले लूँ मैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है? फलाना, सबको पता है रजिया बेगम का, होटल की सराय फरीदाबाद में है। बच्चों वाले क्वेश्चन है बस।
माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़, उसी के नाम पे महेंद्रगढ़ पुलिस है ना। ये ले आपका पेपर था भाई, जो बचता वो कल कर लेंगे। किसी को डाउट हो तो बता दिए भाई। सूरी का भी पानीपत में है। अच्छा, इब्राहिम सूरी, गुड, शाबाश। खिजर खां सोनीपत। सर जाते जाते दो फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 क्या करना है? रिपोर्ट दो रिपोर्ट ही है भाई। हंगरी, जो हंगरी रिपोर्ट है, इंडेक्स में हम 94 नंबर पे आ गए भाई। हंगरी इंडेक्स में पूछे भूख वाले में, भूखमरी रिपोर्ट पहले कितनी थी? 102 थी शायद, है ना। अब किस कौन से नंबर पे आ गए 2020 में? 94 नंबर पे आ गए भाई। जाते जाते ये है क्वेश्चन नया, ठीक है, ये इसको याद कर लेना। और शर्म की बात है, हम श्रीलंका, पाकिस्तान और भूटान जैसे देशों से भी नीचे ही। क्वेश्चन नंबर दो, ये दूसरी शर्म की बात है भाई, ठीक है। हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94 नंबर पर है, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से हम, अगर कोई नंबर वन पे पूछे ना तो सब नीचे। ये ऐसे ऐसे देश आते हैं, सोमालिया, ये पूरे ये काले काले, ये सारे सारे ड्रग्स का काम करते हैं, वो देश हैं काले वाले, सोमालिया, पता नहीं कैसे ऐसे देश हैं, नंबर वन पे ही आते हैं और अच्छे रैंक पे। मतलब कहने का मतलब होता है इंडेक्स में, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड ऐसे देश आते हैं जब भी नंबर वन पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ होगी, जो बच्चे तैयारी करते हैं वो इनको समझ जाएंगे। नहीं नहीं अभी रुक जाओ, डाउट तो लेने दो, ठीक है भाई। पढ़ा करो, मेहनत क्या करो, पेपर बहुत जल्दी होंगे। ऐसा ना हो कि आपको ये जो वैलिडिटी दी है एक साल की, यहीं पर वीडियो पे ही पढ़ते रहो, आई समझ में? नहीं, हमें ये काम करना है कि जॉब लेके ये फोन मेरे भाई को देना, फिर वो तैयारी करेगा स्टडी मंत्रा पे इसी वैलिडिटी के साथ इतने पैसों में, आई समझ में? कुछ चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखो जिंदगी में। 5-5, 6-6 घंटे की क्लास मिलती है, छोटी बात नहीं है। करो सर, ठीक है, बाय, सभी को लव यू, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कल देखेंगे। जब भी क्लास होगी ना, वैसे तो क्लास कल रखी गई है, किस किस की? कंप्यूटर की, हिंदी की और साइको की, यूट्यूब फेसबुक पे होंगी। अपनी जो डाउट क्लास होगी उसका मैं सुबह मैसेज डाल दूंगा। अपने डाउट अभी डाल देना ग्रुप में कि सर मुझे ये डाउट है, ये साइंस में मुझे सर इस टॉपिक में ये डाउट है, ताकि वो डाउट मैं पढ़ लूँ और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। आई समझ में? HSC 1, 2, 3 और एस्टेट वालों का जो पेज की जो सेटिंग है, मतलब कहने का मतलब कोई भी मैसेज कर सके उस ग्रुप में, वो सेटिंग कर दी जाएगी और अपने अपने डाउट सुबह तक डाल देना, ठीक है, सुबह तक। नहीं कि आपका कल तक वेट करेंगे, क्योंकि जितने आप सिंसियर रहोगे तो हम भी सिंसियर होंगे। अगर हमें लगेगा ए चल काम जड़े, तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये तो ऐसा है कि सामने वाला जिस तरीके का बिहेवियर करता होगा, आई समझ में? और मेरे गुस्से में प्यार भी देख लिया करो कि सर गुस्सा क्यों होते हैं। मैं इसलिए गुस्सा होता हूँ कि मुझसे जुड़े हो तो सिंसियर हो जाओ, आई समझ में? करियर के प्रति जो मिले या ना मिले वो किस्मत की बात है, हम ट्राई ना करें ये हमारी बदकिस्मती है, आई समझ में? हमें ट्राई करनी चाहिए, वो भगवान लक आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों, कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हम भी जॉब लेके खड़े होंगे। एक नहीं दो दो होंगी, दो दो नहीं चार चार होंगी, एक अच्छी जॉब पहले होगी, फिर वेट करेंगे, वो लिस्ट लगेगी, फिर अगली विश की तैयारी करेंगे। तो वो कब आएगा? जब हम बहुत सारी मेहनत करेंगे, जब हमने बहुत कुछ अपना सेक्रीफाई कर लिया होगा, टाइम, पैसा। पैसा तो है नहीं, 2,500 रुपये 3,000 रुपये की फीस है, पैसा तो भूल जाओ स्टडी मंत्रा पे, सिर्फ टाइम दो, आई समझ में? 10-10 हज़ार रुपये में, 20-20 हज़ार रुपये में कोचिंग नहीं मिलती है। अगर किसी को बहम हो तो 6 महीने और रुक जाओ, थोड़े से दिनों रुक जाओ, स्टडी मंत्रा पे दिखाऊंगा तुम्हें फीस में, आई समझ में? क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि बच्चों को हरियाणा में एक बहम है कि ज़्यादा फीस से ही कोचिंग हो दी जाती है। मैं सोचता हूँ पढ़ने दो यार, कम फीस में भी अच्छी कोचिंग होती है, पढ़ने दो, कम फीस में भी कोचिंग अच्छी होती है, लेकिन मानते नहीं। तो मैं भी
कभी ना कभी मैं भी तो तंग होकर सोचूंगा अल्लाह भाई 6,000 फीस है, जिसको पढ़ना हो पढ़े, अगर दिन में एक एडमिशन भी आता तो हमारा तो खर्चा चल गया। अगर 20-30 एडमिशन अब आते हैं, अगर तब कम भी आए, लेकिन वही बात है बराबर ही तो पड़ा। लेकिन वो मैं चाहते नहीं, हम बस ये मैसेज देना चाहते कि ह्यूमनिटी आज भी जिंदा है, पढ़िया बस, लेकिन उसको मानने को कोई तैयार नहीं है। ब्रांड बाजीराव, अगर ऐसा होता तो वहीं से निकलते। जो आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग बोलती है ना कि हमारे से 80% सिलेक्शन है, हमारे से, हमें तो कोई नहीं मिला। हमने तो हरियाणा में अच्छे खासे एग्जाम दिए हैं, HCS से लेकर टैक्सेशन, एक्साइज और सब इंस्पेक्टर से लेकर, एक नहीं मिला उन अकेडमियों का। इंटरव्यू में बैठे उनके साथ, इंटरव्यू से बस में सफर भी किया उनके साथ। ओबियसली बात, अगर 100-150 बच्चों ने इंटरव्यू दिया तो एक ग्रुप भी बन जाता होगा, तो पता भी चल जाता होगा कि कौन से कहां से कोचिंग ली। हमने तो एक नहीं मिला। वो बोलते ना कि कलरक वाले भी नहीं मिले, 400 सब इंस्पेक्टर थे, एक ने भी नहीं कहा कि मैं उस कोचिंग से हूं। फेंकने से कुछ नहीं होता और बड़ी बड़ी फीस लेने से कुछ नहीं होता। धरातल पे क्या काम करते इसलिए मायने रखता है। आई समझ में? हम देंगे सिलेक्शन, जाओ पढ़ो, मेहनत करो। गॉड ब्लेस यू।